5 साल की बालिका के दुष्कर्म के अभियुक्त को आजीवन कारावास, 2 लाख रुपए का अर्थदंड लगाया। पोक्सो कोर्ट खुलने के बाद पहला निर्णय सुनाया। प्रताप का विशिष्ट न्यायालय लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण के विशिष्ट न्यायाधीश परमवीर सिंह चौहान ने मासूम से दुष्कर्म के मामले में बुधवार को सजा सुनाई है। अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उस पर 2 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। लोक अभियोजक तरुणदास वैरागी ने बताया कि घंटाला थाने में एक व्यक्ति ने 12 सितंबर 2017 को एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि 11 सितंबर को वह अपनी पत्नी के साथ खेत में काम कर रहे था। उनकी 5 वर्षीय पुत्री घर पर अकेली थी। तभी मोबाइल चार्ज करने के बहाने देवीलाल उर्फ देवाला निवासी मऊ थाना घंटाली घर पर पहुंचा, उसकी 5 वर्षीय पुत्री को अकेला पाकर दुष्कर्म किया। बालिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर दंपति घर पहुंचे, तब तक देवाला वहां से भाग गया था। इस पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर देवाला को गिरफ्तार किया। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट पेश की, उसे आजीवन कारावास एवं 1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का आदेश सुनाया। एक महत्वपूर्ण प्रकरण में निर्णय सुनाते हुए नाबालिग बच्ची जो कि 5 वर्ष की थी, उसके साथ बलात्कार की घटना करने वाले अभियुक्त देवीलाल उर्फ देवला को आजीवन कारावास और 2 लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। प्रकरण के तथ्य के अनुसार दिनांक 11/9/2017 को प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट थाना पर पीड़िता के पिता ने आकर एक रिपोर्ट दी कि उसकी नाबालिग बच्ची जो कि घर में खेल रही थी, उसके साथ देवीलाल उर्फ देवला ने मोबाइल चार्ज करने के बहाने घर में प्रवेश करता है और माता पिता की अनुपस्थिति का फायदा उठा करके उसको कपड़े खोल करके उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची की चिल्लाहट की आवाज़ पर माता पिता दौड़कर जाते हैं तो उस समय अभियुक्त वहाँ से भाग जाता है और उस समय बच्ची की हालत बहुत ही दर्दनाक थी। उसके मूत्र मार्ग से रक्त बह रहा था और उन्होंने आसपास पड़ोसियों को बुला करके पीपलकोट अस्पताल उसे ले जाया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद बच्ची को प्रतापगढ़ रेफर किया गया। प्रतापगढ़ में बच्ची की हालत और अधिक चिंताजनक होने पर डॉक्टरों ने उसकी MNC वगैरह तैयार करके उदयपुर रेफर किया, जहां पर महाराणा भोपाल हॉस्पिटल में बच्ची के गुप्तांग का ऑपरेशन हुआ और करीब 15-20 दिन तक बच्ची को वहीं पर भर्ती रखा गया। इसमें प्रथम सूचना प्राप्त होने के बाद थाना पीपलकोट द्वारा प्रकरण दर्ज किया गया और महत्वपूर्ण बात यह थी कि थाना पीपलकोट ने थाना सालमगढ़ की सहायता से 30 घंटे के अंदर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया और घटना होने के 19 दिनों के बाद अभियुक्त के विरुद्ध थाना अधिकारी ने माननीय न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत कर दी और करीब 14 माह के समय में माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर के आज ये ऐतिहासिक फैसला सुनाया। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से 11 गवाह प्रस्तुत किए गए और 42 दस्तावेज अभियोजन पक्ष ने न्यायालय में परीक्षित करवाए। इस प्रकरण की गंभीरता इस बात से अधिक और बढ़ जाती है कि माननीय न्यायालय ने फैसला सुनाते समय यह टिप्पणी की कि यह कृत्य इंसानियत को झकझोरने वाला है, मानवीय संवेदनाओं को संज्ञा शून्य कर देने वाला है, पाशविक कृत्य माना है और ऐसे हैवानियत की पराकाष्ठा करने वाले और मानवता को शर्मसार करने वाले घृणित जघन्य अपराधी कृत्य को करने वाले अभियुक्त के प्रति किसी प्रकार की सदाशयता नहीं दर्शाई जा सकती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने आगे ये भी कहा कि जहां संपूर्ण समाज में राष्ट्र में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ आंदोलन का अभियान चरम पर है और ऐसी परिस्थिति में इस प्रकार 5 साल की बच्ची के साथ ये दुष्कर्म की घटना दिल को हिला देने वाली है और पूरी की पूरी सजा जो पॉक्सो एक्ट के तहत निर्धारित की गई ऐसे अपराधों के लिए उसमें पूरी की पूरी सजा अभियुक्त को दी गई, आजीवन कारावास और विभिन्न सजाओं को मिला करके 2 लाख रुपये उस अभियुक्त को जमा कराने होंगे, ये जुर्माना पीड़िता को दिलाया जाएगा। और इसके साथ ही माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में पीड़ित प्रतिकर स्कीम के तहत भी
इसे अधिकतम सहायता दिलाने के लिए निवेदन किया है। सर इसमें नई धारा भी इंक्लूड की है? नहीं, इसमें जो पॉक्सो एक्ट की तरह जो धाराएं थी उसमें पॉक्सो एक्ट की जो धारा, इसमें आईपीसी की धारा 447-376 आईपीसी और 5-6-5-ड पॉक्सो एक्ट की जो धारा है वह उसके तहत चार्जशीट माननीय न्यायालय में फाइल हुई थी और ये चार्ज अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया।